हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का पूरा प्रोसेस लगभग हो चुका है और अब आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आने वाला है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन प्लस आपका मेडिकल और री मेडिकल। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आईटीबीपी ड्राइवर में कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है, हमारे साथियों को वो पूछते हैं कि जो मेरिट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा, क्या ड्राइविंग टेस्ट के नंबर भी उसमें जुड़ेंगे, दूसरा ओबीसी एनसीएल सीएल क्रीमी लेयर का जो गलती हो गया है उसका क्या अभी कर सकते हैं हम, क्या उसका कुछ सॉल्यूशन अभी हो सकता है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो पॉइंट था उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे जो ओबीसी के जो साथी हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब का उनका होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखिए आपको रेडी रखनी है अभी। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है और आप अभी तक की जो सारी मेहनत उस वजह से बेकार हो जाती है, तो यहाँ ये देखिए कि आप पहुँच गए, अभी बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपको कि 75 मार्क्स हैं कैंडिडेट को और पता चलता है डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से वो आउट हो जाता है। अब लास्ट डेट क्या था, तो 15 मार्च 2018 जो थी वो लास्ट डेट थी ये वैकेंसीज़। अब वैकेंसी में कुछ कैंडिडेट्स बताते हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ गई है, तो वैकेंसी बढ़ गई है, उसका ऑफिशियल अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और बढ़ती है तो जो फाइनल लिस्ट आपकी आती है उसमें वो बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिस्ट आ सकती है। इसके अलावा कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आती है या रिजर्व लिस्ट आती है, तो वो भी विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है। यदि विज्ञापन में लिखा हुआ नहीं होता है तो आप उसके लिए क्या आवेदन कर सकते हैं, क्या उसके लिए आप मांग कर सकते हैं, डिमांड ऑफ जस्टिस की मांग आप कर सकते हैं, वो सब भी आपको बताएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए ये कहा है कि आईटीबीपी ऑल्सो रिजर्व्स द राइट टू कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। ये सब विज्ञापन में लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि आईटीबीपी के पास में ये अधिकार है कि वो इसको किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, और उसमें किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, कोई कारण बताने के लिए आईटीबीपी बाध्य नहीं है। एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी है उसके लिए बताया, एज लिमिट जो है वो क्लियर कर दिया। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो पॉइंट था हमारा वो था कि ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइट लाइसेंस वाले जो हमारे साथी थे उनको ड्राइविंग टेस्ट में शामिल नहीं किया गया, उसमें से कुछ हमारे साथियों ने उसको रिप्रेजेंट किया, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उनका ड्राइविंग टेस्ट का ऑर्डर हो गया, वो रिप्रेजेंटेशन जो उस रिट याचिका को ही रिप्रेजेंटेशन मानकर उसमें निर्णय किया गया, उसको अलग से हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सॉल्यूशन हो गया। अब कट ऑफ डेट ऑफ एज और ये सब आ गया। अब बात करते हैं देखिए हम जो ओबीसी एनसीएल का जो पॉइंट है उसको, जो हमारे ओबीसी के जो साथी हैं वो अपना फॉर्म चेक कर लें, उसमें यदि एनसीएल है तो वो अभी दरख्वास्त लगा दें वो कि वो ओबीसी एनसीएल सॉरी एनसीएल के लिए दरख्वास्त लगा दें। दी क्रीमी लेयर उन्होंने गलती से फॉर्म फिल करते समय सीएल कर दिया है उसको। यहां पर देखिए कैंडिडेट्स क्लेमिंग ओबीसी एनसीएल, उससे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा दूं कि वो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही है वो ओबीसी एनसीएल। अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल स्टेटस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल यूआर कैटेगरी। अब ये कब होगा, ये होगा जब आप फाइनल आप लिस्ट में आपका नाम आ गया और जब आप जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट सॉरी जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पता चलता है कि आपने तो क्रीमी लेयर स्टेटस शो कर रखा है फॉर्म फिल करने में और आपको मार्क्स जर्नल कैटेगरी से आपको ज़्यादा नहीं है और ओबीसी से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपके साथ बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो उससे पहले आप एक रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, एज का जो क्राइटेरिया है वो दिया है, एज रिलैक्सेशन किसको छूट है। और अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब हो गया पहले। अब देखिए CP2 कलर परसेप्शन जो है वो 2 होगा इसमें, यानी आपका जो कलर विजन जो है वो हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, CP2 वो होता है। तो वो CP1 CP2 CP3 क्या है वो हमारा वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। टैटू वगैरह के बारे में बताया गया है, मेडिकल गाइडलाइन पूरा यदि आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वो गूगल पर भी अवेलेबल है। टैटू हो गया है,
हाउ टू अप्लाई हो गया, एप्लीकेशन फ़ी हो गया, ये सब पूरा डिस्कस हो गया। अब सेलेक्शन प्रोसेस, सेलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका PET PST होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रिटन टेस्ट आपका हो गया OMR बेस्ड, 100 मार्क्स रिटन हो गया आपका। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PST विल हैव टू अपियर इन रिटन एग्जामिनेशन। फ्रेश एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द रिटन रिटन टेस्ट will be issued online by mentioning the date and venue of the written test. A list of candidates qualified for written test will also be uploaded on ITBP website, that is ये दिया हुआ है, and the written test will be as under. Written test आपका कैसा था वो भी इसमें दिया था कि जनरल नॉलेज, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ट्रेड रिलेटेड MCQ जो थे वो सब आ गया। The questions for written test शेल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं के लेवल का था, ये सब हो गया है। अब जर्नल के लिए 35% था और SC ST OBC जो है उसके लिए 33% था क्वालिफाइंग मार्क्स था। और उसके बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट आपका हो गया। प्रैक्टिकल टेस्ट में आप पास हो गए हैं तो प्रैक्टिकल टेस्ट में भी काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट में मुझे 45 मिला है तो क्या मेरा आ जाएगा। देखिए उसको ही यहाँ हमने डिस्कस करना है कि प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको जो नंबर मिला है, आपको चाहे बिल्कुल अब 50 में से आपको कितना लेना है पास होने के लिए, पास होने के लिए आपको चाहिए 33% और 35%, ये आपको मिल गया तो आप क्वालिफाई हो गए। इससे नीचे आपको रह गया आप डिसक्वालीफाई हो गया। ये नंबर भी अलग अलग बांट बनी हुई है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ और मुझे फेल कर दिया गया, तो वो पे डिस्कस किया था हमने। मेरिट लिस्ट, अब मेरिट कैसे बनेगी, क्या टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे उसमें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरिट के बारे में देखिए, उससे अलग नहीं जा सकते। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली जर्नल SC ST एंड OBC देखिए, फिर NCL, तो आपका यदि CL हो गया तो उसको आप करेक्शन करवाएं वरना आपको बाद में बड़ा धोखा हो जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। The candidate shall be shortlisted for verification of original documents, certificates and detailed medical examination as per the category wise vacancies on the basis of this merit. Extended list shall also be prepared to cover the shortfall due to failure in the candidates in DME and RU medical examination. However, there shall be no reserve list. ये देखिए साफ लिख दिया गया है, तो जो candidates बात करते हैं परिणाम आने के बाद में कि दूसरी लिस्ट आएगी क्या, तो इसमें तो विज्ञापन में साफ लिख दिया गया है कि किसी प्रकार की रिजर्व लिस्ट नहीं होगी। फिर आपको बता दूं कि इसका हिंदी अर्थ आपको बता देता हूं कि विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी आपका लिखित का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है उसके आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। आपके ट्रेड के जो स्किल टेस्ट है उसके नंबर इसमें नहीं जुड़ेंगे। स्किल टेस्ट के नंबर ITBP की ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है उसमें जुड़ता है, उसमें वो मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यदि 70 मिला है, आपको 75 मिला है या आपको 51 मिला है, जो भी आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा। अब आपको कितना मिला है ये आपको पता है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अब देखिए टाई केसेस जो है वो कैसे रिजोल्व होगा, तो टाई केसेस रिजोल्व होगा यहां पे, यानी बराबर नंबर आते हैं तो, इन केस ऑफ टाई इन मार्क्स द कैंडिडेट ओल्डर इन एज गेट्स प्रेफरेंस। देखिए यहां पर जो सबसे पहला ही ये कर दिया कि टाई केस दो कैंडिडेट के बराबर नंबर हैं, तो रिटर्न में दोनों को यदि 75-75 है तो जो आयु जिसकी ज्यादा है उसको ले लिया जाएगा। अब आयु भी यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी समान है, तो इट इज़ फाइनली रिजोल्व बाई रेफरिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स इन इंग्लिश एज पर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब उसमें क्या होगा कि जो अमर और दिनेश जो है उसमें यदि टाई हो जाता है, उनके नंबर भी बराबर हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो अमर को ले लिया जाएगा क्योंकि ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, दिनेश को वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। तो ये दो ही यहाँ पर क्राइटेरिया हैं इसके टाई केसेस के। और यदि उसके बाद भी दोनों ही यदि अमर हैं तो उसके बाद क्या होगा वो फिर ITBP की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो निर्णय करेंगी उसमें, उसके बाद किसको लिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये कब होगा आपका, ये होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उससे पहले,
मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट और मीडियम और हैवी। अब ये जो और लिखा था, इसकी वजह से जो हमारे साथी पांच कैंडिडेट्स माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किए और जो दूसरे कैंडिडेट्स जो रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, तो वो इसमें उनका ड्राइविंग टेस्ट उसका माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला जो था वो ITBP के जो था पक्ष यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया और कैंडिडेट्स का पक्ष जो था वो हावी हो गया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास में कोई है तो वो भी, SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, OBC NCL स्टेटस में नोट दैट सर्टिफिकेट ऑन क्रीमी लेयर स्टेटस शुड हैव बीन ऑब्टेंड विद इन 3 ईयर्स बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी 15 मार्च 2018 से 3 साल पहले का आपके पास में जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए उस समय का। अभी आप नया बनवा लीजिए OBC सर्टिफिकेट, पुराना भी आपके पास में रहना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर का ID, ये सब आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट एज पर अनेक्सर 5 फॉर क्लेमिंग रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट इफ एप्लीकेबल। जो SSC GD में अनेक्सर 8 वाला होता है पॉइंट, वो यहाँ पर अनेक्सर 5 में दिया है। ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर वेरियस कैटेगरी शैल बी ब्रॉट अबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ हाइट बार, ये सब पीछे हो गया है। और उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन इशूड बाई MHA, अभी MHA का जो 2015 में जो मेडिकल गाइडलाइन इशू हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेडिकल हो रहा है। उसके बाद में यदि अनफिट हो जाते हैं तो अपील अगेंस्ट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उस पर क्यों जाएं अपन, अपन ये सोचें अभी कि आपका भोपाल से आपका रिजल्ट बनना है, भोपाल का जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर है ITBP का वो इसकी नोडल एजेंसी है, और अभी आपका रिजल्ट, ये समझिए कि कार्रवाई जो है बिल्कुल तैयारी है। आपका रिजल्ट कब निकलता है ये फोर्स निर्धारित करेगी, उसके लिए आप हमें पूछते हैं कि कब आएगा, फिर भी कब आएगा, तो उसका देखिए अभी हमें सिर्फ जो है यही पता है कि रिजल्ट आपका जल्दी आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपके कोई डाउट्स हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप डिस्कस कीजिए। और दोस्तों जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना, जानकारी के अभाव में वर्दी पाने का जो आपका सपना है वो टूट ना जाए, और अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।